हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। दो दिन पहले हमने बात की थी 1090 रूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी 80-20 रूल के बारे में लिखते हैं। तो क्या है ये 80-20 रूल? 80-20 रूल एक बहुत ही हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है अपने टाइम और लाइफ को मैनेज करने के लिए। 80-20 रूल को परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस रूल के बारे में विल्फ्रेडो परेटो, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने लिखा था 1895 में। उन्होंने सोसाइटी में एक नेचुरल डिवाइड देखा कि 80% जो मनी और इन्फ्लुएंस है वो टॉप 20% लोगों के पास है, और बाकी के जो बॉटम 80% लोग हैं उनके पास बस 20% मनी एंड इन्फ्लुएंस है। उन्होंने जो टॉप 20% लोग हैं उनको नाम दिया वाइटल फ्यू, और जो बॉटम 80% लोग हैं उनको ट्रिवियल मैनी। फर्दर रिसर्च के बाद परेटो ने पाया कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। आपकी 20% एक्टिविटीज़ ही आपकी 80% रिजल्ट लाते हैं। आपकी 20% जो कस्टमर्स हैं वो ही आपको 80% तक सेल देते हैं। आपके 20% टास्क आपको 80% तक वैल्यू ऐड करते हैं, और आपकी 20% प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ही 80% प्रॉफिट लाती है। तो अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे 10 एक्टिविटीज़, 10 टास्क जो आपको करने हैं, तो आप उसमें से देखेंगे कि जो एक या दो टास्क उसमें से ऐसे होंगे जो कि बाकी 8 टास्क से ज़्यादा वर्थ उनका होगा। नंबर ऑफ टास्क वर्सेज इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क। आपने जो 10 टास्क की लिस्ट बनाई उसमें आप देखेंगे कि एक या दो टास्क ऐसे होंगे जो बाकी सारे टास्क से 5-10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू रखता है। लेकिन एक सैड रियलिटी है कि हम ज़्यादातर लोग टॉप 20% के जो सबसे इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल टास्क हैं उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट 80% टास्क हैं उनको पहले करने लगते हैं और ख़ुद को उसमें बिजी कर लेते हैं, जो कि हमारे रिजल्ट्स में बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब बहुत कॉमनली ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कई सारे लोग जो दिन भर बहुत बिजी रहते हैं फिर भी वो बहुत कम अकम्प्लिश कर पाते हैं कॉम्परेटिवली, क्योंकि वो अपना टाइम लो वैल्यू टास्क में बिजी करके निकाल देते हैं। अगर वो अपना टाइम हाई वैल्यू टास्क में लगाते तो अपनी कंपनीज में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला पाते। ज़्यादातर जो मोस्ट वैल्यूएबल टास्क होते हैं वही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हम उनको बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले करेंगे तो उनका रिवॉर्ड और रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें डेलिब्रेटली एडमेंटली सबसे पहले हमारे टॉप 20% वाले टास्क करने हैं। जब तक हमारे टॉप 20% वाले टास्क ना हो जाए तब तक हमें बॉटम 80% वाले टास्क को नहीं करना। हमें कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले खुद से पूछना है कि क्या ये मेरे टॉप 20% के टास्क में आता है या बॉटम 80% वाले टास्क में आता है। एक सिंपल रूल है, रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। जो छोटी चीज़ें इजी चीज़ें हैं उनको हम पहले करने में ना लगाएं, उनको हम बाद में करें। पहले हम हार्ड चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें करें, ताकि हम बाद में इजी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। रिमेंबर, जो भी चीज़ें हम बार बार चूज़ करते हैं वही हमारी हैबिट बन जाती है। अगर हम लो वैल्यू टास्क को पहले करने लगेंगे तो रोज़ सुबह उठ करके हम लो वैल्यू टास्क ही करते जाएंगे, तो रोज़ हमारी हैबिट बन जाएगी लो वैल्यू टास्क करने की, तो उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट भी बहुत कम आएगा। अगर हम हार्ड चीज़ों को पहले करने लगेंगे, अगर हम हाई वैल्यू टास्क को पहले करने लगेंगे, अगर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले करने लगेंगे, तो हमारी हैबिट बनेगी कि हम पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करते हैं उसके बाद हम ईजी चीज़ों को करेंगे, तो उससे हमारा जो रिजल्ट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। और आप तो यही चाहेंगे कि आपका रिजल्ट ज़्यादा आए और आपका टाइम हाई वैल्यू टास्क में ज़्यादा लगे। आप बस इतना ही सोच करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि जब हम हाई वैल्यू टास्क, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क पूरा करते हैं तो हमको खुशी मिलती है और हमको अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है। हम देखें कि अगर हमारे इंपॉर्टेंट टास्क और अनइम्पॉर्टेंट टास्क दोनों लगभग हमारा सेम अमाउंट ऑफ टाइम ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो हमारे सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमें एक लेवल ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन जब हम लो वैल्यू टास्क, अनइम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि हमें पता होता है कि ये ज़्यादा रिजल्ट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। योर एबिलिटी टू चूज बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव लोग होते हैं वो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं, अकम्प्लिश कर पाते हैं, और उस वजह से उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और एक हैप्पियर रिजल्ट मिलता है।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए, हमारे गोल्स, टारगेट्स, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स जो हमें पूरे करने हैं, और उसमें से हमको सेग्रीगेट करना है कि हमारी टॉप 20% के टास्क, एक्टिविटीज या गोल्स क्या क्या हैं और बॉटम 80% की चीज़ें क्या क्या हैं, ताकि हम हमारा पहले टाइम टॉप 20% चीज़ों में लगाएं, ताकि हम ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर पाएं और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और एक हैप्पियर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये बुक पढ़नी है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये बुक पढ़नी है, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं ऐसे और वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। सो कीप रीडिंग, हैप्पी रीडिंग।